हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सर्बिया की, जो कि एक बाल्कन देश है। सर्बिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब लैंड ऑफ स्लेव्स है, यानी दासों की धरती। इसकी कैपिटल और सबसे लार्जेस्ट सिटी बेलग्रेड है, जो कि साउथ ईस्ट यूरोप में सबसे बड़े शहरों में से एक है। साथ ही साथ बेलग्रेड को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक भी माना जाता है। सर्बिया की टोटल पॉपुलेशन लगभग 70 लाख के करीब है। सर्बिया एक हरा भरा देश है दोस्तों, जहां के टोटल सरफेस एरिया में से 57.9% एग्रीकल्चरल लैंड, 31.21% फॉरेस्ट लैंड है। यहाँ पर सर्बियन दिनार नामक करेंसी चलती है। एक सर्बियन दिनार की वैल्यू 0.74 इंडियन रुपी है, यानी इंडियन रुपी इस पर भारी है। दोस्तों, सर्बिया भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। यहाँ पर सर्बियन लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि स्लाविक लैंग्वेजेस का ही पार्ट है। यहाँ पर लिटरेसी रेट 98.3% है, जो कि काफ़ी हाई है। दोस्तों, अगर यहाँ के जेंडर रेशो की बात करें तो पर 100 फीमेल्स पर 95 मेल्स हैं यहाँ पर। सर्बिया की इकोनमी की बात करें तो इसकी इकोनमी सर्विस बेस्ड मिडिल इनकम इकोनमी है। यहाँ पर कैपिटा इनकम 7200 यूएस डॉलर के लगभग है, जिसको ठीक ठाक ही माना जाता है। यहाँ पर एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 16% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और इसीलिए हर साल लगभग 50,000 यानी 50,000 लोग इस देश को छोड़कर चले जाते हैं। इसी कारण से यहाँ डीपॉपुलेशन यानी जनसंख्या ह्रास बहुत तेजी से हो रहा है। सर्बिया रेसबरी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है दोस्तों। दोस्तों, सर्बिया को 31वीं यानी 31st सेफेस्ट कंट्री रैंक किया गया है। यहाँ क्राइम रेट बहुत कम है और इसी वजह से हर साल यहाँ 25 से 30 लाख टूरिस्ट आते हैं। सर्बियन इकोनॉमी में टूरिज्म इंडस्ट्री का एक अहम रोल है। यहाँ के लोग बड़े ही फ्रेंडली होते हैं दोस्तों। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं दोस्तों, जिनमें सबसे ज़्यादा 84.6% ऑर्थोडॉक्सी में, 5% कैथोलिसिज्म में, 3.1% इस्लाम में और 1% प्रोटेस्टेंटिज्म में विश्वास रखते हैं। एक और सरप्राइजिंग फैक्ट सर्बिया के बारे में ये है दोस्तों कि सर्बिया में भूकंप आना बड़ा ही कॉमन माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हर साल लगभग 3 से 4 भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। ये भूकंप ज़्यादा विनाशकारी नहीं होते। अगर हाल ही की बात करें तो जून 2020 में यहाँ हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ का जन्म सर्बिया में हुआ है दोस्तों। रोमन एम्पायर के कुल सम्राटों में से 18 सम्राटों का जन्म इसी क्षेत्र में हुआ था। निकोला टेस्ला, जो कि बड़े ही फेमस इंजीनियर रह चुके हैं और अभी भी विश्व प्रसिद्ध हैं, वो भी सर्बिया से ही थे। इसके अलावा नोवाक डोकोविक, जो कि वर्तमान टेनिस प्लेयर हैं, वो भी सर्बिया से ही हैं। मिलुटिन मिलानकोविक, फेमस मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनोमर, भी सर्बिया से ही थे। ओटोमन एम्पायर ने सर्बिया पर 500 सालों तक राज किया, पर 1877 में इन्हें ओटोमन एम्पायर से आज़ादी मिली। 20th सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर वन के बाद यह देश यूगोस्लाविया का हिस्सा बना। 1991 में सर्बिया और मोंटेनेग्रो एक थे। 2006 में दोनों इंडिपेंडेंट नेशन बन गए। दोस्तों, यहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शन लाजवाब हैं, जो कि बेलग्रेड, नोवी साद, निस, नोवी पजार, इन शहरों में मौजूद हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।